हेलो बच्चों, हम लोग संज्ञा के बारे में जाने हैं ना। आज हम लोग संज्ञा के ऊपर ही वर्कशीट लेके आए हैं, तो देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा सत रेखांकित करें। तो क में देखिए सबसे पहले है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा संज्ञा शब्द है, हमें उसको रेखांकित करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चा है, बच्चे, वो सबसे पहले एक संज्ञा है। उसके बाद और क्या संज्ञा दिख रहा है, हम लोगों ने पहले भी देखा है कि चीजों यानी कि वस्तुओं के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गेंद यानी कि बॉल, बॉल एक क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड को हम लोग ऐसे लाइन अंडरलाइन यानी कि रेखांकित करेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी है, देखिए यहाँ पे और हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, जैसे माँ, माँ घर पर है, ठीक है। तो यहाँ पे माँ क्या है, माँ वर्ड जो है एक संज्ञा है। मैंने पहले बताया था व्यक्ति यानी कि रिलेशंस में भी हम लोगों ने बताया था माँ, मदर, फादर, पापा, तो ये लोग क्या है, हम लोग के संज्ञा ही है नाम, ठीक है। और घर, घर भी एक क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो ये दो चीज जो है वो नाम है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह जितने भी हैं खोज खोज के आप लोग अंडरलाइन करिएगा खुद से, ठीक है। और एक जो वर्कशीट हम बताने जा रहे हैं वो थोड़ा देखिएगा आप लोग, वो है कि इसमें है, बोर्ड में से शब्द चुनकर सही शीर्षक के सामने लिखें। तो यहाँ पे देखिए एक स्माइली पिक्चर जो है वो एक बोर्ड लेके खड़ा है, ठीक है। तो वो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे नाम लिखे हैं जो कि आपको यहाँ पर से चुन के यहाँ लिखना है। यहाँ क्या क्या है पहले हम लोग देख लें। यहाँ है शहर के नाम, महीना के नाम, सब्जी के नाम और दिन के नाम। तो यहाँ पे आपको सारे दिए हुए हैं। अब हम लोग अगर देखें सबसे पहला क्या है हमारा, शहर का नाम। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है बैंगन, फिर शनिवार, फिर मुंबई, फिर मार्च, फिर आलू, फिर बुधवार, फिर दिल्ली, फिर जून। तब आप लोग देखिए यहाँ पे बैंगन बोल के कुछ शहर का तो नाम नहीं होता है, शनिवार भी तो नहीं होगा। तो ये मुंबई है, तो मुंबई क्या है, एक शहर का नाम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मुंबई लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं, देखिए ये मैंने क्या लिखा, मुंबई। और नेक्स्ट आप फिर आप एक यहाँ पे जो होगा वो आप यहाँ पे खोज के लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिन के नाम है, तो दिन के नाम हम यहाँ पे मैंने पहले भी पढ़ा है, देख लीजिए आप ढूंढिए, आलू या फिर मार्च, ये सब तो दिन के नाम नहीं है, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने शनिवार, शनिवार जो है वो दिन का नाम है। तो यहाँ पे आप फिर वैसे ही शनिवार भी ऐसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग पूरा खोज खोज के जैसे जिस चीज के पास जो चीज है वो वहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग खुद से करिएगा इसको और घर में आराम से इसको करके फिर हम करिएगा, ठीक है। थैंक यू।